हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली डोज ऑफ AVKS एकेडमी। द टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्फ्लिक्ट अक्रॉस एलएसी, एंड स्पेसिफिकली उसमें क्या बात करेंगे हम गैलवन वैली में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रहे हैं और ओवरव्यू लेंगे उसका। उससे पहले हम देखेंगे एलएसी होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया एंड चाइना का एक बॉर्डर डिमार्केशन रीजन जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, उसे हम कहते हैं एलएसी। ठीक है, ये किस चीज़ किस रीजन्स को डिवाइड कर रही है? अक्साई चिन एंड लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया। तो इस एलएसी का जो है नाम पहले किसने दिया था, 1959 में जवाहरलाल नेहरू को जाओ एनलाइन ने ये लेटर में कहा था कि दिस रीजन इज़ कॉल्ड एलएसी करके, एंड सब्सिक्वेंटली आफ्टर 1962 साइनो इंडिया वॉर के बाद इस रीजन को जो है एलएसी के नाम से जानते हैं लोग। प्रॉब्लम क्या चल रहा है यहाँ पे, हम जो है नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है। यहाँ पे तीन मेजर प्रॉब्लमेटिक रीजन है यहाँ के। पहली बात तो यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी करके रीजन है। क्या है वो? यहाँ से ले से जो है कि एक रोड बनाया गया था, 2001 में प्लानिंग किया था उसके, 2019 में कम्प्लीट हुआ था ये दौलत बेग ओल्डी रोड। उससे जो है चाइना को प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद क्या, अभी का स्टैंड ऑफ रीजन कहाँ पे है वो है इस रीजन में जिसे कहते हैं हम क्या, गैल्वन वैली। इस गैल्वन वैली में अभी क्या चल रहा है दोस्तों, चाइना जो है ट्रूप्स बिल्डअप कर रही है। ट्रूप्स बिल्डअप करना मतलब वहाँ पे अपने परमानेंट स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट कर रही है, और इंडिया अभी जो है उसे अपोज कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया गया है कि चाइना अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रही है। चाइना का क्लेम ये है कि ये गैल्वन वैली भी हमारा ही है करके चाइना का अभी नया वाला क्लेम निकल के आया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो है गैल्वन वैली का कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। और एक रीजन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है इंडिया एंड चाइना का इस जम्मू एंड कश्मीर जो है लद्दाख रीजन में, वो है पैंगोंग सो लेक, वो होगा इस जगह पे। अभी आप देखेंगे तो पैंगोंग सो लेक और उसके अंदर का इंडिया का एलएसी, इंडिया एंड चाइना के एलएसी क्रॉस कर रही है इस पैंगोंग सो लेक के बीच में से। ठीक है, इसीलिए ये लेक बन जाता है ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं कहाँ पे, हमारे गैल्वन वैली का प्रॉब्लम के बारे में। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है गैल्वन वैली के बारे में? यूजुअली डिस्कशंस होते हैं कहाँ पे, हाई लेवल मीटिंग में होते हैं, और इंडिया एंड चाइना का भी डिस्कशन हुआ था इसी रीजन को लेके, एंड फाइनली इट वॉज सेटल्ड के दोनों जो है अपने ट्रूप हटा लेंगे। वो तो हुआ था क्या, मिलिट्री डिलिबरेशन से हुआ था, लेकिन चाइना ने यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही है, एंड रिलेटिवली इंडिया ने भी अपने रीजन में जो है स्ट्रक्चर्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ये है क्या गैल्वन रीजन का अभी तक जो स्टैंड ऑफ पॉइंट है उसका अपडेट। ठीक है दोस्त, अगर से आप देखेंगे और इंडिया एंड चाइना के बीच में दूसरे वाले कन्फ्लिक्ट पॉइंट कौन से है, तो 2017 में एक पॉइंट हुआ था, कौन सा वाला, डोकलाम करके एक इशू रेज हुआ था, वो है कहाँ पे, सिक्किम में नाथुला रीजन में। एंड दूसरा वाला कन्फ्लिक्ट रीजन कहाँ पे है, हमेशा रहता है ये अरुणाचल प्रदेश में। 1962 के वॉर के बाद अरुणाचल प्रदेश में चाइना का क्लेम है कि मोर देन दैट ऑफ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स बिलोंग टू चाइना करके है, और उनका प्रॉब्लम ये है कि इनर लाइन परमिट जो इंडिया इशू करती है, चाइना कहती है कि वो इंडिया नहीं करना चाहिए करके उसे इशू। ठीक है दोस्तों, ये वाले जो सारे हमने डिस्कस किया है अभी, वो सारे है पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो ऐसे जो है आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या है वो, चेंजिंग रिलेशंस विद चाइना एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ठीक है, एंड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका है आप आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द रीजन्स दैट आर गिवन बिलो आर पैंगोंग सो लेक, दौलत बेग ओल्डी, गैल्वन वैली, दीज रीजन्स आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, सो ट्राई एंड सॉर्ट देम आउट from what south and north. Okay, with this we'll be completing our session of today, and we'll be meeting you very soon in our next session. Until then, see you guys, have a great day.